अच्छा तो ये मायावी नागराज है, इसीलिए इसका नाम पंचभन है। तो घातक विष उगल रहा है। इसके विष का इतना प्रभाव, तुम बनोगे मेरे मृत्युदाता, उचित है, देखते हैं। अरे मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ कहाँ देख रहे हो? अरे यहाँ पर मैं यहाँ। तुम्हारे नेत्र खराब हो गए हैं, मैं यहाँ पर हूँ। क्या हुआ पंचभन, शिथिल हो गए हो? थोड़ा विश्राम कर लो। और प्रयास करो। ये पंचभन को क्या हो गया, तू हार क्यों रहा? ये तो आप पांचों फन से विष उगल रहा है। युवराज पांच फन वाले भयानक नाग से लड़ रहे हैं, मुझे शीघ्र महाराज को सूचित करना चाहिए। ये पांच फन वाला भयानक नाग कहां से आ गया सुमेरु में? हो सकता है इसी ने नदी के जल को विषैला किया। कहीं कोई आसुरी माया या शक्ति तो नहीं है वो? हो सकता है मंत्री जी। सैनिकों को शीघ्र लेकर चलिए। जी महाराज। सेवक, तुम जाकर महारानी को सूचित करो। चलिए 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 महाराज। विष, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे विष से मुझे कुछ भी नहीं हुआ।
शत्रुओं पर आक्रमण करे, मुझे कुछ करना ही होगा। पंचपन, अब तुम्हें दंड देना ही होगा। भाग रहा है। पंचपन, कहाँ गया पंचपन? हनुमान, युवराज, हनुमान, युवराज, पुत्र हनुमान, तुम कुशल तो हो? कहाँ गया वो भयानक नाग? पिताश्री, वो नाग तो पहले ही भाग गया। उसने ही पूरी नदी में विष फैलाया था। कहाँ जा सकता है? मंत्री जी, कहाँ गया होगा वो भयानक नाग? महाराज, ये कहना तो कठिन होगा। वो मायावी नाग अपने घातक विष से यदि पूरी नदी को विषाक्त कर सकता है, तो कहीं भी अपना विष फैलाकर महाविनाश फैला सकता है। हमें उसे शीघ्र पकड़ना होगा। अधिक दूर नहीं गया होगा वो। हाँ महाराज, हमें शीघ्र ही उस नाग को ढूंढना होगा। हाँ, हम सब अलग अलग टुकड़ियों में बंटकर उस नाग को ढूंढेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इन बालकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। सैनिक जी महाराज, इन बालकों को शीघ्र लेकर राजभवन जाओ। जी महाराज। और सचेत रहना, वो नाग कहीं भी छिपा हो सकता है। जी महाराज। हाँ मित्रों, तुम सब भवन जाओ। मंत्री जी, आप हनुमान और दो सैनिकों को लेकर उस दिशा में जाइए। जी महाराज। और दो सैनिक इस दिशा में जाइए। आप और अन्य सैनिक मेरे साथ उस दिशा में आइए। जिसे भी वो नाग दिखेगा, वो एक सांकेतिक ध्वनि करेगा। हम सब वहां साथ पहुंचकर उसके विरुद्ध लड़ेंगे। जी महाराज। चलिए। जी महाराज। आइए युवराज। चलिए। आइए। चलिए। चलो सैनिकों, चलो। कार्य करने का समय आ गया है। अब तुम सब भी विष फैलाने योग्य हो गए हो। जाओ और सारे सुमेरु वासियों को विषाक्त कर दो। अधीन बना दो मेरा। हनुमान के परिवार के सभी सदस्यों को भी विषैला कर दो। जाओ। अब शीघ्र ही हनुमान के अपने भी हो जाएंगे विषाक्त। अब तुम किस किस से लड़ोगे हनुमान? अब आएगा आनंद। बलबला बलबल पंचफन, बलबला बलबल। हनुमान के जिन मित्रों पर विष गिरा था, उन सबको राजभवन भेजा गया है। अब तुम उनसे वहाँ अपने कार्य करा सकते हो। बलबला बलबल। क्या आसुरी नाग पांच पन वाला? हाँ, हनुमान के मित्र बहुत भयभीत दिखाई दे रहे हैं अंजना। इस स्थिति में उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। माँ, आप इन्हें हनुमान के कक्ष में ले जाइए। मैं इनके भोजन का प्रबंध करती हूँ। आओ बच्चों।
अवश्य ही यहीं कहीं छिपा होगा वो। ढूंढो उसे, वो जहां कहीं भी हो बच के नहीं जाना चाहिए। पकड़ो उसे, चलो। सब सावधान रहना, वो बहुत चालाक है, कहीं से भी आक्रमण कर सकता है। ये देखिए महाराज, एक ओर से कुचली हुई घास, नाग अवश्य ही इसी दिशा में गया होगा। देखते हैं कहां छुपा बैठा है वो, चलो देखते हैं। चलिए महाराज। सर्प की गंध आ रही है मुझे, वो यहीं कहीं होना चाहिए महाराज। ए मायावी नाग, कहां छिपा है तू? यदि साहस है तो सामने आओ और युद्ध कर। महाराज वो यही कहीं है, बच नहीं सकता वो, चलो। इस तरह ढूंढने से तो अच्छा है कि एक सैनिक वृक्ष पर चढ़कर देखे, तो हम एक बार में दूर तक का पता लगा सकते हैं। अरे युवराज आप नहीं, मैंने कहा कोई सैनिक। कोई बात नहीं मंत्री जी, मैं शीघ्रता से चढ़ सकता हूँ। मंत्री जी। हाँ? उस दिशा में कुछ हलचल हो रही है। अभी तो आप इन सब लोगों को लेकर कहां जा रहे हैं? पंचफन नाम का एक भयानक सांप इस वन में घूम रहा है और आप सब लोग संकट में पड़ सकते हैं। चलिए आइए आप सब लोग मेरे साथ आइए। इस ओर आइए। उचित समय है आक्रमण करने का। हाँ
अब तुम सबको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजभवन में हो तुम सब। इस तरफ अवश्य हो सकता है वो विषैला नाग। आइए मंत्री जी। सब ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है? क्या हुआ? तुम सब लोग रुक क्यों गए? इनके नेत्र तो सर्प जैसे दिखाई दे रहे हैं। अवश्य ही ये पंचफन के विष का प्रभाव है, अर्थात पंचफन के विष से इनकी मृत्यु नहीं हुई अपितु ये उसके अधीन हो गए और अब उसका विष ये अन्य लोगों में फैला रहे हैं। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पांच फनों वाला मायावी नाग घूम रहा है, तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। हाँ, मैंने भी देखा था। मुझे पता है वो इस समय कहाँ होगा। तुम जानते हो कहाँ है वो? शीघ्र ही बताओ। आइए मेरे साथ। चलो सैनिकों। रुक जाओ पंचफन, तुम्हारी सच्चाई हमें मालूम चल चुकी है। कहां जा रहे हो? सैनिक, मेरी गदा लाओ।
ये विष के प्रभाव में है, इसीलिए मुझ पर आक्रमण करने के लिए तत्पर है। किंतु ये मेरे प्रजाजन हैं, इसीलिए मैं इन्हें क्षति नहीं पहुंचा सकता हूँ। क्या करूं? पहले तो मुझे इन सब के बीच से निकलना होगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।